सदगुरु कोई हमारा हमसे ऊपर नहीं था संभालने वाला, नहीं सदगुरु सब लोग बिहार सुदर्शन जी और सुकृत जी महाराज दो लोग मेरा साथ शुरू से और पूरा निभाए। और यदि कहें तो इन लोगों के ऋण से हम जीवन भर उड़ नहीं हो पाऊ, इन दो लोगों से सारे लोग छोड़कर चल दिए लेकिन यह दोनों लोग नहीं छोड़े, परछाई की तरह हमेशा। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, सदगुरु तो है नहीं क्या। लेकिन जब सदगुरु देखे कि सच में डिप्रेशन में चला जाएगा, जिंदा हो करके भी मरने के सिपत्तर हो जाएगा, तो मां बुलाई और पांच बात समझाई कि चल पहले तू अपने मां से मिल, ठीक है। और मां से जब मिले तो मां खुश थी, वही साड़ी पहने हुए बोली मैं बहुत आराम से चिंता मत कर, बहुत खुश हूं। मां हमारे गुरु जी बोले पूछो क्यों बोल रही हैं, वो बोले बताइए। मां बोले कि जितना पीड़ा हो रहा था जीव शरीर छूटा सारी पीड़ा, इसलिए तुम शरीर के लिए रो रहे हो, मेरे सुख के लिए खुश रहो, फिर भी मेरा मन हमारे सदगुरु समझाए कि तुम्हारा ही भावना है ना कि चौथे पन में मां को लेकर के घूमूंगा, इनका सेवा करूंगा, सेवा करके इनका साथ साथ अपने मन के कर जो भी सोचे पूरा करूंगा, धर्म प्रचार करूंगा। लेकिन जानते हो जो ब्रेन हैमरेज जो बीमारी थी यदि छोड़ जाती तो न किसी को पहचान पाती, न किसी को देख, न तो सुन पाती न बोल पाती, ऐसे अर्धमूर्छित शरीर में ले करके तुम क्या करता, क्या महसूस करती कि तुम सेवा कर रहे हो। दूसरी बात वो क्या बोले हैं अंतिम समय याद है, वो बोले हैं कि हम बड़ी यह सुखी हूं कि मेरे वजह से धर्म बाधा नहीं होगा, और तू मां को लेकर रहता तो कैसे धर्म सभा कराता, मां का भी भला है, संसार का भी भला है, तेरा भी भला है, सदगुरु के उपाध पर हो ठप हो जाती जीवन की क्रियाकलाप है, 24 आवर्स रहता उसमें, लेकिन मां को सुख नहीं दे पाता, संसारिक देता ना, समय से खाना खिला देता, समय से हाथ पर धोता, नहलवा देता, कपड़ा पहना देता, बाथरूम वगैरह कराता, स्नान कर यही कराता ना, इनकी चेतना नहीं ला सकता, उन्हें जानकारी नहीं कि मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई, फिर उनकी आत्मा क्या समझती, और उनकी आत्मा सुखी भी है, और इस हालात में लेकर के अर्धमर्जित लाश लेकर घूम कर क्या करते। तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न बोले कि यदि मां शरीर छोड़ देना, यदि मां शरीर छोड़ी तो तेरा भला ही नहीं संसार का भला, पहली बात कष्ट से भी उभर गई, और दूसरी बात धोखा कर रहे हो, धोखा नहीं वही साथ दी तेरा, यदि वो रहती तो उनको लेकर के तुम बंधन में बंध जाते, और जो भविष्य में अश्वमेध यज्ञ और अनेक लोगों का परोपकार दिखाई देता सब बंद हो जाता। बोलो आखिर तो एक न एक दिन इनका शरीर छूटता कि नहीं छूटता, तो तड़प तड़प कर छूटने के बहाने जब 2 मिनट के पीड़ा में शरीर छूट गया तो 2 ही मिनट ना, और तुम्हारे कहने के अनुसार यदि 35 वर्ष और रह जाती, 100 पूरा करती, 35 वर्ष तड़पती तो अपने ईमान को तड़पना देखना चाहते हो, यही तुम्हारा ज्ञान है। जब सदगुरु समझाई तो दीन्ही ज्ञान हर लेनी माया, दिव्य आत्माएं, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सदगुरु का होना जरूरी है, नौकरी में प्रमोशन भी जरूरी, तो 2-4 ऑपरेशन मिल जाए रोज कराने के लिए भी जरूरी, आशा है तो महीने में 10 मिल जाए वो भी जरूरी, लड़की की नौकरी जरूरी, लेकिन सबके लड़के नौकरी नहीं कर रहे हैं, सबका जीवन चल रहा है नहीं चल रहा, सबके लड़के सरकारी नौकरी कर रहे हैं नहीं, बोलिए ना नहीं, क्या चल नहीं रहा है, चल रहा है, है?
अत्री जी आपके लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, आपका जीवन नहीं चलता। और निशानंद जी आपके लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, जीवन नहीं चलता। और निशानंद जी आपके लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, हाँ फिर नहीं चलता। जोगेश्वर जी आपके लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, जीवन नहीं चलता है। बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। महाराज जी आपके लड़के जिंदगी नहीं चल रही है। दशरथ जी महाराज, हम लोग इतने लोग हैं, हम भी हमारे भी लड़के सर्विस नौकरी नहीं करते, तो हम लोग नहीं चल रहा जीवन। अरे कहा सोच रहे हो लड़का को, अरे तो लड़का बाप का सब लड़का नौकरी सरकारी कर लेगा, हो सकता है उसका भाग में बगल से ही आपके आशीर्वाद से उसे ऊंचा उठना हो तो है कि नहीं महाराज जी, है कि नहीं बोलिए। जनार्दन जी महाराज आपके बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, जीवन नहीं चलता। आप भी तो सरकारी नौकरी नहीं करते, आपका भी तो चलन नहीं चला। नेताजी आपके लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, जीवन चल रहा है नहीं चल रहा। आपके एक लड़के जो सरकारी करते हैं, शेष का भोजन नहीं मिलता है, किसी बिना खाए सोए हो। इसलिए जरूरी तो ये सब है, सदगुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ गए नहीं समझ गए, समझ बात आ गई। इसलिए जो हर हर महादेव जब भी शाम को सोए बोले कि हे प्रभु करण करावन हार तुसम, सब कुछ आपको समझ कर भी काम करें, नहीं कि किसी को जान बुझ कर दुष्कर्म कर दे और बोले कि हे भगवान आप करें, गलती ठीक है ना। अच्छा ऐसे समझा रहे, जो काम करने से मन में कुछ फर्क ना पड़े, आनंद संसारिक क्षणिक खुशी ना मिले, जैसे लगे ही ना लगे, महाराज जी एक बहुत बड़ा फिलासफर हमसे प्रश्न किया पश्चिम बंगाल, बहुत बड़ा फिलासफर ठीक है, शायद इसमें कुछ लोग समझ पाएंगे, मगर इसके भग गए नहीं, फिर भी सुधार चाहे जो कुछ ज्ञानी है भक्ता जैसे जैसे लोग हैं कुछ लोग समझ हैं। जो ज्ञान है कि बहुत उच्च कोटि की बात बोला महात्मा गोपाल जी, बहुत उच्च कोटि का बात पूछा, वो पूछा हमसे ये बताइए भगवान कृष्ण की 1600 रानियां थी ठीक है, गोल मटोल उत्तर नहीं, फिलासफर पूछ रहा है, ये कथावाचक का प्रश्न नहीं है, पूछ रहा है कि 1600 रानियां और यदि किसी रानियों के साथ 1600 रानियों के साथ एक सांसारिक मनुष्य की तरह कर्म करना पड़े तो क्या कर सकते हैं भगवान कृष्ण, करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत उच्च कोट क्या है, सुने हैं आप प्रश्न नहीं सुने, वो ये भी नहीं किया, लाक्षण भी नहीं लगाया और नहीं अच्छा भी नहीं बना, हमसे पूछ रहा करेंगे कि नहीं करेंगे ठीक है। देखिए जनरल आदमी की बात नहीं हो रही है, 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण की बात हो रही है, जैसा ज्ञानी आज तक धरती माता किसी को जन्म नहीं दी, उतना बड़ा तर्क शास्त्री किसी को नहीं बनाई, रामा अवतार में चमत्कार भी नहीं हुआ है और कृष्णा अवतार में जन्मते चमत्कार शुरू हो गया, वह नहीं हथकड़ी खुल गई, बेड़िया खुल गया, लोग सो गए, वो नहीं जमुना में उफान आने लगा, चमत्कार होना शुरू हुआ, पग पग और चमत्कार है। वैसे व्यक्ति के विषय में एक बहुत बड़ा फिलासफर प्रश्न कर रहा है कि यदि 1600 रानियां थी और यदि सांसारिक कर्म मनुष्य की तरह करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग उत्तर देंगे कि हम क्या उत्तर दिए, आप बता देंगे कि आप बताएंगे, हम बताएंगे। देखिए हम क्या कहें, हम क्या कहें, शुरुआत कहां से की,
हमने कहा भगवान कृष्ण का मतलब है कि जो उसके भाषा में गुणातीत हो, गुणातीत हो, इंद्रियों का स्वाद जिसको अपने और आकर्षित ना करे, मिले तो भी फर्क नहीं, ठीक है ना, खाना ठीक है कि बेकार है स्वाद से मतलब नहीं, जो उसमें लिप्तमान न हो, जिसका भाव उसके शरीर पर न हो, यदि पहली बात तो प्रभु अपने लिए करेंगे ही नहीं, अपने नहीं करेंगे, लेकिन यदि सृष्टि की नियति हो गई कि तुझे करना है तो करेंगे, लेकिन साधारण जीव बंद कर नहीं, उससे उसे कुछ न आनंद है न खुशी है, न तो पछतावा है और न तो बहुत पीड़ता है, कुछ नहीं, वह करेंगे तो विश्व नियंता के नियति के लिए कर सकते हैं, अपनी उनकी रुचि, करेक्ट। उत्तर समझ में आ गया, उत्तर समझ में आ गया, समझ में आया, जो उच्च कोट के उस शिखर पर चल गए हैं उन्हें वासना से मतलब नहीं है, उन्हें साधना से मतलब है, आपको देखने से वासना लग रहा है लेकिन वह नहीं, उससे लिप्त प्रभाव नहीं करेगा, एकदम प्रभाव कारी होगा ही नहीं, जैसे होता है ना मन में विह्वलता हो जाती है, उमंगता हो जाती है, उसके लिए बेचैनी हो जाती है, पागलपन हो जाता है, जल्दी प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो, इसके लिए सब कुछ चला जाए, ऐसा होता है ना, उसके चेहरे पर कुछ नहीं होगा।